ऐसे मोदी है ना हमारे गांव की गली गली में फिरे हैं। क्या बात, जिसका वोट दोगे ना जिसमें एक नंबर का इनने दे दिया लाल किला उस पे काहे पे किराए पे और फिर करा मेरे लाल किले का ये कर डाला। ये कैसे कर डाला भाई, सब कुछ बेच दिया। अरे रेल इनने बेच दी, लाल किले इनने बेच दिया, जहाज इसने बेच दिए। कोई एक बात बता, वो तो 56 इंच की छाती बता। अरे 56 की ना हमारी, रुक जा, यो तो 1 किलोमीटर की छाती बता लेगा। बता विश्व गुरु कैसे बना, और देश कोई कह रहा है इसने विश्व गुरु, इसकी मीडिया कह रही है बस ये विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु है, मैं विश्व गुरु। कहाँ विश्व गुरु? और सुनो विश्व गुरु, हिंदुस्तान में एकता के कारण यो विश्व गुरु बनाया, इसलिए जब भी तो पूछ हुई। ऐसे मोदी है ना हमारे गांव की गली गली में फिरे हैं, जिसका वोट दोगे ना जिसमें एकता करके, जैसे एकता करके वोट जिस पे दे दोगे वही मोदी बन जाएगा। समय कल आ जाए, इसकी तो कल भी खराब हो गई। अब ज्यादा दूसरी बार अगर ना बैठाते तो इसकी अकल खराब नहीं होती। इसका पहले तो मिठाई दी, फिर दे दिया इसका रसगुल्ला। यो सोच गया तो बहुत मीठा मजे लूंगा, अरे तो मानते ना। अब विश्व गुरु खामू का इसकी मीडिया तो बना रही है विश्व गुरु। जो आदमी झंडे पे इतना गिर सका है, एक बात बता, तेने मैंने अपना मकान तेने किराए पे दे दिया, मेरा क्या अधिकार रह गया? तू डंडा और लगाऊंगा जो मैं तेरे उस पे अधिकार दिखाऊंगा। इन्हें दे दिया लाल किला उस पे काहे पे किराए पे और फिर करा मेरे लाल किले का ये कर डाला। ये कैसे कर डाला भाई? अच्छा अभी वो सर कह रहे थे कि देश गरीब हो गया है, तो मोदी जी तो फकीर है ना, तभी तो प्रधानमंत्री है वो। अरे इसका काम तो हम जनता ने चूसने का है। अच्छा हाँ, अरे बनिया आस्ते 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 चूसेगा पब्लिक ने ना चूस रहा। फिर पहले कह रहा जीएसटी, जीएसटी तो कांग्रेस भी ला भाई, क्यों ना ला दी जीएसटी कांग्रेस भी ला भाई। उसमें लुटते, मैं किसान हूँ, मैं जो अपना हथियार खरीदूंगा ना। उसने कहा रूटर, रूटर की बात एक बताऊं, वो क्या क्या है, अगर वो लेना पक्का कागज तो 15,000 फालतू लूंगा, और पक्का कागज ना लेगा तो 15,000 कम दूंगा। शहर के आदमी नू कहे हम टैक्स ना देते, कौन सा टैक्स ना दे रहा बता। 15,000 रुपए दूंगा जब पक्का पर्चा मिलेगा। योगे क्या जीएसटी हमारे पर लगी और किस पर लगी? मोदी पे जाके लगी। जीएसटी हमारे पे तो लग रही है, जहाँ जीएसटी का हमने लाभ नहीं था वहाँ जीएसटी लगा दी। ऐसा मर्द का बच्चा तो तेल पर लगा जीएसटी, वो तो 56 इंच की छाती बता। अरे 56 की ना हमारी, रुक जा, यो तो 1 किलोमीटर की छाती बता लेगा। बता भाई मैं हूँ मोदी, थोड़ी सी देर किया, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, किसान हूँ ना। क्यों बैंक में भी जहाँ हम जोर से बोलने लगे तो मैं कह तू पढ़ा लिखा ना है, हम तो ठुंट सही पर ठुंट जाने हम सब कुछ है। अभी मैं भी कह सकूं भाई तीतरे तुम यहाँ खड़े हो सबके 10-10 करोड़ दूंगा भाई, मैंने वोट दियो। बता मेरा के बिगड़ गया, जीभ के आगे मैदान पड़ा कुछ बक दो। और जब तुम एक बात रोज बके जाओगे ना, रोज बके जाओगे भाई, हम इतने पागल है साली, हमारे दिमाग में भर जा बड़ा झूठ बोल रहे हो। नहीं तो जिता दिया पर अब ना भरने की है, अब ना भरे, गलती से जिता दिया। गलती से बहुत बड़ी गलती होगी। हमारे बड़े बुड्ढे कह रहे भैया, बड़े बुड्ढे नु कहो ए या सरमाएदारों की है सरकार, मान जाओ मत ना दो, मान जाओ मत ना दो। हम सोच लगे ना नौकरी देगा, उरे नौकरी कहां से देगा, सब कुछ बेच दिया। अरे रेल इनने बेच दी, लाल किले इनने बेच दिया, जहाज इसने बेच दिए। कोई एक बात बता, एक बात बता, देश के हवाई अड्डे बिकते होंगे? देश के हवाई अड्डे किसी देश में बिके बताओ? अरे बस यही तो बिके, आज हमारे पास एक हो गया। और रुक जा चाचा, एक बात बता, एक बात मैं बताऊं पहले, आज हमारे पास एक हो गया, हमने जरूरत पड़ी जहाजा की। अडवाणी कहने लगा ना दे रहा कल्ले के कर है। बता एक बात, फेरियो के क्या कहा, मैं 1 करोड़ 10 करोड़ दूंगा, 20 करोड़ दूंगा। क्यों इसकी तलवार बढ़ेगी ना दूसरे देश की, जब ये मांगेगा भी तो ये फायदा ना लेंगे। कपिल सिब्बल ने लोकसभा में कहा साफ तौर पे कि जिस जहाजों पे चुनाव प्रचार किया है तो उनको एयरपोर्ट देना क्या गलत है, क्या बताइए? प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कर रहे, जब तो हमारी समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, ममता का वो देख रहा मैं, बिहार है वो है के बंगाल, बंगाल में ममता की बुराई करे जा, और हिंदू मुस्लिम ठुकवा रखी है पूरी, जैसे मुझे फलने ठुकवाई। अब तो हम सब एक हो गए, हक्के भी मुसलमान समझ रहे हैं बात ने, और हिंदू समझ रहे हैं, लड़ो मत ना, हम भी कह रहे हैं बात। उनसे भी पूछाओ, ये टीवी भी ले रहे हो मत तक भी पूछाओ, ये आपस में लड़े। एक बात बताऊं उसकी, क्या बताई नु, ममता तो जाती है बस, ममता ममता जाती है बस हेलीकॉप्टर में, और मोदी का जो भी है वही हेलीकॉप्टर में चला है, जो मोदी का आदमी वही हेलीकॉप्टर में चला है। एक बात बता, पैसा कहां से आ रहा? हमने तो नोच नोच के डीजल नहीं तो बढ़ा रहा है। अगर बंगाल का चुनाव होते डीजल घट जाएगा भाई, पैसे हमसे सबसे ले रहा है और हेलीकॉप्टर में दे रहा है। क्या कर रहा है? मैं भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में
वहाँ के कहना है रैली में पांच आदमी, अगर भाजपा बिना पैसे के पांच आदमी इकट्ठे कर दे तो मैं इसका गुलाम हो जाऊँ। सब पैसे में इकट्ठे होंगे, पैसा देगा, पांच आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, पांच आदमी कैसे विकास हो रहा, हमने कैसे विकास हो रहा बताओ, विकास हो रहा डीजल रुकते हाँ रुकते जाओ यार, लोन की सुविधा अच्छा हमारे गांडे का पेमेंट दिवा दो उल्टा मोदी का लोन दे देंगे बता दो हम हराम ना है, हम गट्टे की कमाई खावा, मैं 52 साल का हूँ, तड़की साल पलकटी बजवा दूंगा, लटकी का तो लट बजवा ले, लेकिन डबल आई का हम फिर का क्यों खाऊंगे, टॉयलेट टॉयलेट की सुन ले भाई, नू तो नोचने काम कर रहा है, पहले के लाया नू फ्री में ले लो केक है सिलेंडर फ्री सिलेंडर फ्री सिलेंडर, एक बात बता मेरी लुगाई ना आदत पड़ गई सिलेंडर चलाने की, फ्री ले लिया जब मैंने भी, अब मैं कहूँ यार घाटा हो रहा, मैंने वहां भी चंदा देना पड़ा है, वो धरना चल रहा, अरे भली माने तब तू चूल्हे में पोले, वह गले मेरे बस की ना है कहीं से कमा के ला, अब चूल्हे में ना पोल, ये तो बनिए की सरकार है बनिए की आदत गलत गिरेगा। हाँ अब बात बताओ क्या कह रहे थे जब टॉयलेट, अब सुन टॉयलेट पे दिए कुल 12,000, टॉयलेट में लगा 25,000, बता दो भैया 12,000 में किसी का बन जाएगा, नोचने का काम करा, अभी ओके पानी पर आंदोलन लाऊंगा, सुन अब पानी की महात्मा गांधी की होड़ करा है, एक लोटा पानी में लेकर चलक रहे जब लैट्रिन करने जाए गए महात्मा गांधी जी, एक से दूसरे आदमी से बात करने लगे, भूल भूल में उनका सारा लोटा पानी का बिखर गया, वे कह लो हाथ तो बड़ा गलत हो गया, महात्मा गांधी की होड़ करता ऐसे करता, अब क्या है एक आदमी लैट्रिन करेगा चार बाल्टी गिरेगी 40 किलो पानी गिरेगा, एक एक उसमें क्या कहना है वो लैटरिंग में हमारी औरत कम से कम फ्लैश में, जब एक आदमी पांच आदमी हो कितने बाल्टी हुई है, पांच आदमी अब कितनी बाल्टी हुई है, हूं कर रहे हो 50 बाल्टी 50 दाई 500 लीटर पानी हो गया एक घर का, कितना पानी बर्बाद कर दिया, अब बताइए हम खेत पर जा रहे हम लैटरिंग मानी कर सकते, हमारी औरत ही हर वक्त घर में रह गई, कम से कम लैटरिंग के बहाने 1 किलोमीटर चल के जा भाई, उसकी वर्जिश हो जा भाई, और वहां जाकर लैटरिंग कर ले भाई, दिक्कत के ही 5 लोटा। अरे आज के कह रहा इसके वैज्ञानिक और बदतमीज है, अच्छा कैसे और कैसे बदतमीज, इसकी सलाह सब गंदी है, जो आज वैज्ञानिक है वैज्ञानिकों ने तो बनाया कानून, यो के खेती करा है हमसे पूछता, अब क्या कहते ऐसा फायदा होगा ऐसा फायदा होगा, अब क्या कह रहा है, अब एक बात ही वो बैल है, बैल की बता रहे टिकाय साहब बता रहे नू 360 काम कर 360 दिन काम करा इतने पैसे हो गए, अरे बैल खाओगा ना, इन्हें नु पता ना खाओगा बिना बैल, उसके बैल के आवतवाजे भी करने पड़े, खवाना पड़ेगा खिला बैठाना पड़ेगा मकान ही बनाना पड़ेगा, दवाई भी है नहाना भी है धुआना भी है, इन्हें तो उल्लू के चौदह ने नू भी पता नहीं, और ये बना के नुके ना वैज्ञानिक हूँ हम, क्या क्या वैज्ञानिक है भाई, अब एक बता कॉमर्शियल उत्तर प्रदेश में करने जा रहे जो इन्होंने करा, एक भैंस की क्या लवारा ना होगा, तू किसी के द्वारे जाओगा तू अपने बालक नन ले जा, मेरा पोता मैं उसने गैल न लाऊं, अब लवारा गैल जुट गया तो कॉमर्शियल ले, अब लवारे ने गड़ा घोट का मार दूं, इन बदतमीज ने ना कुछ ही पता उसके चला है काहे पे वैज्ञानिक वैज्ञानिक का ना कुछ ही पता, योगी जी कह रहे किसान अरे मैदान पर उतर है, योगी जी कह रहे किसान हमारे यहाँ का घुसाल है घुसाल है, हाँ टेलीविजन में दिखा रहे मेरा गांडा ठीक है, सुनियो मैंने अपना गांडा बेचा अपने पैसे लिए, कह गए हमने किसानों को हटिए भैया 36 करोड़ दे दिए हैं, काहे के दे दिए भैया, मैंने तेरा गांडा दिया तेरे महीने पैसे दिए कौन सा एहसान कर दिया, और आज तक भी योगी ऐसा मर्द कब बने हैं रहा है ना मैदान में, जैसा साधु हुआ वो तो स्वादु है, घर छोड़ के मैं भी अभी बच्चे पाल के और जब साधु बनाऊं ऐसा बने का दिखा ताली, ताली। बताओ ऐसा क्यों ना बना, घर छोड़ के कोई साधु बन जाए टक्कर लेना गृहस्थी की, जब साधु बन के दिखा कितना झूठा योगी कितना झूठा, सुनो योगी सु बना देश का, अभी बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, देश के योगी ने घर छोड़ा पता है एक दिन क्या कह रहा है स्पीच में, मैं भी सुन रहा योगी की आज से 2 साल जने 1 साल पहली बात है, मैं यूपी को गड्ढा मुक्त कर दूंगा, भाई साहब उसकी योगी की 10 पिड्डी आ जाइए कुर्सी पे, जब गड्ढा मुक्त यूपी नहीं हो सकता, कैसे कर दे गड्ढा मुक्त, एक सड़क बना दूसरी टूट जाएगी, कितना बड़ा झूठ है, पंचो पंचो बताइए भैया गड्ढा मुक्त हो जाएगा कोई, एक गांव ने नहीं कर सकता, इतना बड़ा झूठा होगा कोई ना होगा मुक्त हो गया, अरे कैसी बात करे गड्ढा नहीं सड़क में मिल जाएगा तेरा, मेरे यार रोज जा रहे हो मेरे से सवाल पूछ रहे हो, यार कैसी बात कर रहे हो भाई, तुमने भी तो गड्ढा देखा होगा, इन्हें तो गड्ढा युक्त कर दिया, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त, क्योंकि ठेकेदारी जितनी होगी रुक जाओ, जितनी ठेकेदारी होगी यूपी की टोटल इनके आदमी पे ठेकेदारी है, सबसे ज्यादा खाते हैं
अरे सुन, एंटी रोमियो ने लाता उनके हमारी लड़कियों का जूड़े कराटे का वो स्कूल खुलवाता जब वे सुरक्षित होती। मतलब If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.